प्यार अंधा होता है, ये कहावत तो आपने बहुत बार सुनी होगी और इससे जुड़े कई उदाहरण भी देखे होंगे। मगर इसकी अच्छी खासी उदाहरण आपको चकाचौंध वाली इंडस्ट्री से बेहतर कहीं नहीं मिलेगी। इस इंडस्ट्री में ऐसे ही कई सितारे हैं जो अपने प्यार की खातिर धर्म, उम्र, रंग रूप की दीवार तोड़कर एक दूसरे के हो चुके हैं। मगर आज हम बात बॉलीवुड सितारों की नहीं, टीवी सेलेब्स की कर रहे हैं। जी हाँ, टीवी जगत में कई ऐसे रियल लाइफ जोड़ियां हैं जिनको देखकर आप भी मान लेंगे कि वाकई में प्यार अंधा होता है। सबसे पहले बात करते हैं टीवी शो इश्कबाज में काम कर चुकी एक्ट्रेस अदिति गुप्ता की। टीवी एक्ट्रेस अदिति गुप्ता ने पिछले साल 2018 में 12 दिसंबर को बिजनेसमैन कबीर चोपड़ा से शादी रचाई थी, जो कि साइज में काफी मोटे हैं, जबकि अदिति काफी स्लिम है। अदिति की शादी ने एक बार वैसे सबको हैरान कर दिया था। रघुराम नताली डी लूसियो। एमटीवी के शो रोडीज फेम रघुराम ने भी साल 2018 में अपनी गर्लफ्रेंड नताली डी लूसियो से दूसरी शादी की। आपको तो मालूम है कि रघुराम के सिर पर एक भी बाल नहीं है, लेकिन फिर भी कनाडियन नताली ने अपने प्यार के आगे उनकी इस कमी को भी आने नहीं दिया। इतना ही नहीं, रघु पहले से शादीशुदा भी थे। कृष्णा प्रिया और एटली कुमार। साउथ एक्ट्रेस कृष्णा प्रिया कई टीवी सीरियल में भी काम कर चुकी हैं। आपको बता दें कि कृष्णा प्रिया ने साल 2014 में एटली कुमार से शादी की। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस कपल के स्किन कॉम्प्लेक्शन में जमीन आसमान का फर्क है। जहां कृष्णा प्रिया बेहद गोरी नजर आती हैं, वहीं एटली काफी सांवले हैं। केके गोस्वामी और पिंकू गोस्वामी। टीवी अभिनेता केके गोस्वामी ने साल 2001 में आई सीरियल सा कोई है में गबरू के रोल से घर घर पहचान बनाई थी। केके गोस्वामी ने पिंकू गोस्वामी से शादी की। जहां केके गोस्वामी हाइट में काफी छोटे हैं, वहीं उनकी पत्नी पिंकू उनसे काफी खूबसूरत हैं। आप इनकी जोड़ी को देखकर कह सकते हैं कि प्यार वाकई अंधा होता है। दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम। टीवी के विवादित शो बिग बॉस 12 के विनर और टीवी अभिनेत्री दीपिका कक्कड़ को असल पहचान टीवी सीरियल ससुराल सिमर का से मिली थी। बता दें कि दीपिका की पहली शादी रौनक मेहता से हुई थी, जो कि सिर्फ 2 साल चली। इसके बाद उन्होंने साल 2018 में मुस्लिम एक्टर शोएब इब्राहिम से शादी की, जिसके लिए दीपिका ने अपना धर्म परिवर्तन तक कर लिया। दीपिका सिंह और रोहित राज। टीवी जगत की फेमस बहू संध्या राठी उर्फ दीपिका सिंह ने टीवी डायरेक्टर रोहित राज गोयल से शादी की है। दोनों की ये शादी लव कम अरेंज है, यानी वे एक दूसरे को पसंद करते थे और दोनों के परिवारों को भी उनकी पसंद पर कोई एतराज नहीं था। मगर दीपिका सिंह के आगे उनके पति कम खूबसूरत नजर आते हैं। आमना शरीफ और अमित कपूर। टीवी और फिल्म अभिनेत्री आमना शरीफ मुस्लिम धर्म से हैं। आमना ने कहीं तो होगा सीरियल से अपनी पहचान बनाई। साल 2013 में उन्होंने एक हिंदू लड़के से शादी की, जिसका नाम अमित कपूर है। बता दें कि शादी के बाद उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया, यहां तक कि पति के खातिर अपना करियर भी दांव पर लगा दिया। प्रिंस नरूला और युविका चौधरी। टीवी अभिनेता प्रिंस नरूला और युविका चौधरी ने पिछले साल 2018 में ही शादी की। वैसे तो दोनों की जोड़ी काफी क्यूट है, लेकिन युविका प्रिंस नरूला से 7 साल बड़ी हैं। फिर भी उन्होंने शादी की और आज दोनों टीवी की खूबसूरत जोड़ी भी कहलाते हैं। जूही चावला जय मेहता। जहां बॉलीवुड की बात करें तो जूही चावला ने 1995 में बिजनेसमैन जय मेहता से शादी रचाई, जो कि उम्र में 7 साल बड़े हैं। जूही को अक्सर पति से उम्र के लंबे फासले को लेकर आलोचना का सामना करना पड़ा है। जो भी हो, जय ने बुरे वक्त में जूही चावला का काफी साथ दिया है, जो एक पत्नी को अपने पति से चाहिए होता है। रानी मुखर्जी आदित्य चोपड़ा। रानी मुखर्जी ने फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के डायरेक्टर से लव मैरिज की, जो कि बॉलीवुड के सफल प्रोड्यूसर भी हैं। हालांकि आदित्य पहले से शादीशुदा थे, लेकिन प्यार के आगे रानी मुखर्जी का भी बस नहीं चला और उन्होंने खूबसूरत व फेमस अदाकारा होने के बावजूद भी आदित्य के साथ शादी रचा ली।
प्रियंका चोपड़ा निक जोनस। बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका ने पिछले साल 2018 में निक जोनस के साथ शादी रचाई, जो कि उनसे 10 साल छोटे हैं। हालांकि प्रियंका निक का उम्र के अंतर को लेकर बहुत मजाक उड़ाया गया। सोशल मीडिया पर खूब मीम्स भी बनाए गए, मगर इन्होंने दूसरों की परवाह न करते हुए एक दूसरे से शादी की और आज काफी खुश हैं। खैर जो भी हो, इन जोड़ियों ने साबित कर दिखाया है कि प्यार के आगे रंग रूप या उम्र कुछ मायने नहीं रखती, बस उसे निभाने के लिए दिल में लगन व ईमानदारी होनी चाहिए। आपको हमारा ये पैकेज कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें।